नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। पूस 25 गते के लेल बजाओल गेल राष्ट्रीय सभा के बैठक फेर से। पूस 27 गते दोपहर 1 बजे के लेल घुसकाओल गेल। किसान आंदोलन करत आयल जनमत पार्टी से। शुक्र दिन से हो विभिन्न स्थान में राजमार्ग अवरुद्ध। बारा के राधेश्याम पटेलक हत्यारा के कार्यवाही मांग करत सप्तरिक राजबिराज में विरोध प्रदर्शन। पिछला 24 घंटा में देश भर 968 गोटे में कोरोना संक्रमण। 262 संक्रमण मुक्त। प्रदेश 2 में 7 संक्रमित। चिकित्सा शिक्षा अध्ययन में देखल गेल समस्या के समाधानक लेल सरकार के विशेष ध्यान देव में सरोकार वाला सबक जोड़। आप समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय सभा के बैठक फेर से 2 दिन के लिए घुसकाओल गेल। ऐसे पहिने पूस 25 गते रवि के दोपहर 1 बजे के लिए बजाओल गेल बैठक फेर से। पूस 27 गते दोपहर 1 बजे के लिए घुसकाओल गेल। संघीय संसद सचिवालय के महासचिव भरत राज गौतम सूचना जारी करत विशेष कारणवश बैठक तोकल समय में बैसन नहीं सकला से 2 दिन बाद घुसकाओल गेल उल्लेख कलक। नेकपा एमाले के बहुत जिला के जिला अधिवेशन पूस 24 गते तोकला से एमाले अपन नेता सब अधिवेशन में सहभागी कहत बैठक घुसकाब मांग केने छल। सत्तारूढ़ गठबंधन के उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति के बैठक से संसद के सुचारू कराब पहल करके निर्णय भेल। शुक्र दिन प्रधानमंत्री निवास बालुआटार में प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा के उपस्थिति तथा समिति के संयोजक रामचंद्र पौडेल के अध्यक्षता में बैसे वाला बैठक से अवरुद्ध संसद के सुचारू कराब के लिए पहल करके निर्णय कैल गेल। बैठक के निर्णय के विषय में जानकारी करबैत संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेंद्र बहादुर कार्की संसद अवरुद्ध कोनो हिसाब से उचित नहीं रहल बतौलन। संसद सुचारू कर सरकार के जतेक भूमिका कर्तव्य रहते प्रतिपक्षों के ओतबे हेबाक ओ बतौलन। रामचंद्र पौड़ेल जी को अध्यक्षता में बस को 5 दलीय गठबंधन को संयंत्र ने मूल रूप में माघ 12 गति होने राष्ट्रीय सभा को निर्वाचन को बारे में छलफल केन्द्रित बैठक हिजकै बैठकको निरन्तरता रहेको छ। र अर्को विषय संसद लामो समयदेखि अवरुद्ध छ र यसरी संसद अवरुद्ध हुनु हरेक हिसाबले यो उचित होइन। त्यसैले संसदलाई सुचार गर्ने बारेमा पनि छलफल भएको छ। संसद सुचार तहिना समिति के बैठक में माघ 12 गते हो वाला राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन के संबंध में से हो बातचीत भेल ओ जानकारी देलन। संचारकर्मी के जिज्ञासा के जवाब दैत मंत्री कार्की राष्ट्रीय सभा निर्वाचन के लेल गठबंधन समिति बनौने आ समिति काज शुरू करत बतौलन। किसान आंदोलन करत आयल जनमत पार्टी शुक्र दिन से हो विभिन्न स्थान में राजमार्ग अवरुद्ध कलक। दीवा काल में राजमार्ग अनिश्चित काल धरि बंद के घोषणा केने जनमत पार्टी के नेता तथा कार्यकर्ता सब निरंतर सड़क में उतरल। वो सब विभिन्न स्थान में टायर बारि के सड़क अवरुद्ध कलक। जनमत पार्टी 11 बुदे मांग रखत आंदोलन करत आयल। वो सब किसान के लिए पेंशन, बाली नाली के स्वतः बीमा, कृषि मीटर के बिजली निःशुल्क, मल खाद आ बीजन के व्यवस्था, बाली क्षतिपूर्ति बापत राहत, फसल के उचित समर्थन मूल्य निर्धारण, उंक किसान के भुगतानी, मुद्दा फिरता, किसान ऊपर के दमन बंद कर लगात उच्च स्तरीय समिति गठन कर के मांग रखल। बारा के राधेश्याम पटेल के हत्यारा के कार्यवाही के मांग करत राष्ट्रीय एकता अभियान सप्तरी के राजबिराज में विरोध प्रदर्शन कलक। पटेल के हत्या भेल कहत उनकर परिवारजन आ अभियान हत्यारा के कार्यवाही के मांग करत शुक्र दिन राजबिराज के नेता चौक में विरोध प्रदर्शन कलक। अभियानक उपाध्यक्ष सुनीता शाह के नेतृत्व में भेल प्रदर्शन में गृहमंत्री के राजीनामा मांगल गेल। वो सब मुख्यमंत्री मोहम्मद लाल बाबू राउत विरुद्ध से नाराबाजी कलक। प्रदर्शनकारी सब गृहमंत्री बालकृष्ण खाण के पुतला समेत जरौलक। छठ के विषय के लक कार्तिक 25 गते दू पक्ष बीच भेल झड़प में कलैया उपमहानगरपालिका वार्ड 19 ढोड़िया पचियानपुर टोल के 18 वर्षक पटेल गंभीर घायल भेल छला। हुनक उपचार के क्रम में 56 दिन बाद बुध के साँझ 5:30 बजे न्यूरो अस्पताल बीरगंज में मृत्यु भेल छल। घटना में स्थानीय किछ व्यक्ति पटेल ऊपर आक्रमण करत गंभीर घायल बनौने छल। 8 गोटे में से वही ठामक 30 वर्षक नाजीर हुसैन के पकड़त जान मारने उद्योग में 12 जिला अदालत के आदेश में पूर्व पक्ष के लिए बीरगंज कारागार चलान कैल गेल। बाकी 7 गोटे फरार रहला से ओकर सबक खोज तलाश भरल। जिला प्रहरी कार्यालय बारा के प्रहरी प्रवक्ता राजेश थापा जानकारी देलन। जनकपुर धामक रामचौक स्थित श्री गणेश युवा कमेटी अपन 23वां वार्षिकोत्सव सप्ताहव्यापी रूप में मना रहल है। कमेटी सप्ताहव्यापी कार्यक्रम के श्री गणपति सप्ताह 2078 के रूप में मना रहल है। सप्ताह के पहल दिन कमेटी 150 गोटे आवश्यकता रहल के ठंडा से प्रभावित भेल के कम्बल वितरण कलक। Thank you.
जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाक प्रमुख कमिटी के वरिष्ठ निर्देशक शिवशंकर शाह हीरा सहित के हाथ से कम्बल वितरण कयल गेल छल। कमिटी के अध्यक्ष संतोष महतो सप्ताहव्यापी कार्यक्रम अंतर्गत सातों दिन विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम करैत 23वां वार्षिकोत्सव मनायल जात बतौलन। दोसर दिन शनिक ननसा के मिथिला बिहारी नगर पालिका के तारापट्टी स्थित हेल्थ पोस्ट में वृहत निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के आयोजन कयल गेल, महासचिव बलराम कुमार शाह बतौलन। तेसर दिन रवि का कबीर बाल आश्रम में राहत वितरण, सोम दिन जानकी वृद्धाश्रम में खाद्यान्न सामग्री वितरण, मंगल का स्वर्गीय पत्रकार उमा सिंह के स्मृति में रक्तदान तथा धनसा के महिला पत्रकार तथा संचार कर्मी के सम्मान, बुध दिन जमेरिया देवी धर्मशाला राहत सामग्री वितरण आ अंतिम दिन शुक्र का सम्मान तथा समापन समारोह के आयोजन कयल जात, पूर्व अध्यक्ष संतोष कुमार शाह बतौलन। शुक्र दिन के कार्यक्रम में कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र भंडारी, जनकपुर धाम महानगर पालिका वार्ड 2 के अध्यक्ष शिव कुमार शाह, नागरिक अगुवा अमरचंद्र अनिल सहित कमेटी के पूर्व अध्यक्ष पदाधिकारी सहित के उपस्थिति छल। जनकपुर धाम में रक्तदान कार्यक्रम कयल गेल। जनकपुर धाम के मुजलिया स्थित MB दुग्गड़ ग्रुप के आयोजना आ नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी धनुषा शाखा के समन्वय में रक्तदान कार्यक्रम कयल गेल। ओहि क्रम में कंपनी के 20 कर्मचारी रक्तदान केने। जनकपुरक शाखा के मैनेजर अरुण शाह जानकारी देलन, धनुषा में बीमार सब के रगत के अभाव होवे नहीं देब, विभिन्न संघ संस्था सब नेपाल रेड क्रॉस के समन्वय में रक्तदान कार्यक्रम करैत आयल। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के अध्यक्ष KP ओली राष्ट्रीय सभा निर्वाचन के परिणाम अपना सब के लेल प्रतिकूल आबि सकबाक बतौलन। पार्टी के जिला सभक अधिवेशन के शुक्र दिन वर्चुअल माध्यम से संबोधन करैत अध्यक्ष ओली राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन पहिल के जनादेश के दुरुपयोग करैत एला से ओहि के परिणाम अपन पार्टी के लेल प्रतिकूल एला पर अजीब नहीं मान बतौलन। ओ राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन पार्टी के लेल अनुकूल नहीं भेलो पर अपन पार्टी देश के पहिल शक्ति रहल बतौलन। अध्यक्ष ओली राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन मार्फत सत्तारूढ़ गठबंधन अपन पार्टी के करय वाला अंतिम प्रहार रहल बतौलन। एहि प्रहार से नहीं हड़बड़ा आ जनता में भ्रम नहीं पड़ देव, अध्यक्ष ओली पार्टी के नेता कार्यकर्ता के सचेत करौलन। जनमतलाई त्यो जनमत ल्याउँदाखेरि हामीले विभिन्न पक्षहरूलाई सन्तुलन मिलाएर विभिन्न पक्षलाई सिट दिएर र विभिन्न प्रकारका व्यवस्थापन, साथीहरूले सुन्नुभएको छ, व्यवस्थापनका नाउँमा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई विभिन्न प्रवृत्ति भनेर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने नाउँमा सिटहरू बाँडेका पनि थियौँ। ती कुराहरूलाई हतियार बनाएर तिनलाई आधार बनाएर हिजो हाम्रो शक्तिको आधारमा बनाइएका अहिले यो जनता मतदाता होइन पहिले नै निर्वाचित प्रतिनिधिहरू मतदाता हुने अवस्थामा निर्वाचित पहिलेकै जनमतबाट हाम्रो बेग्लै परिस्थितिको जनमतबाट जो निर्वाचित भएका थिए तिनी। अध्यक्ष ओली आगामी निर्वाचनमा एमाले अकेले सत्तारूढ गठबन्धन सँग लड सकबाक दावी केलन। ओ असंवैधानिक तरिकासँ वर्तमान सरकार बन्न दावी करैत मतदान के माध्यमसँ हटाव आम जनता के आग्रह केलन। ओ संसद से नहीं भक दोसरे जगह से बनल सरकार के करीब 3 करोड़ नेपाली जनता आगामी निर्वाचन में मतपत्र के माध्यम से अंत कर परत बतौलन। अध्यक्ष ओली जनता एमाले नेतृत्व के सरकार के प्रतीक्षा कर रहा कहत वही अनुसार निर्वाचन के तैयारी में जुटा पार्टी के नेता कार्यकर्ता के निर्देशन दिलन। तो सरकार परिवर्तन भएकै था पाएन, जुन संसदले सरकार परिवर्तन गर्ने, सरकार निर्माण गर्ने, सरकार परिवर्तन गर्ने, प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने, सरकार गठन गर्ने काम जहाँ संसदले गर्छ त्यो संसदले प्रधानमन्त्री हटाइएको, अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको, अर्को प्रधानमन्त्रीले शपथ ग्रहण गरिसकेको, यी सबै कुरा संसदले थाहा पाएन। संसदले एकैचोटि विश्वासको मत लिने ड्रामामा सरेको हुन बाध्य भयो। त्यो एउटा ड्रामा थियो, असंवैधानिक। अध्यक्ष ओली नर्सिंग कॉलेज सब हटेबाक हरेक जगह के पार्टी के भर्ती केंद्र बनेबाक काज सरकार कर रहल कहत आक्रोश व्यक्त कलन। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव नेपाल नेकपा एमाले के अध्यक्ष KP ओली राष्ट्रीय सभा निर्वाचन में हार स्वीकार कर चुकल बतौलन। पार्टी के काठमांडू महानगर कमेटी शुक्र दिन आयोजना के कार्यक्रम में बजत अध्यक्ष नेपाल ओली अपन दम्भी स्वभाव विपरीत राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन में अपन पार्टी के पराजय निश्चित कहकर भाषण में स्वीकार केने टिप्पणी कलन। ओ ओली देश भर एक साथ जिला के अधिवेशन उद्घाटन क नया नेतृत्व स्थापित होब नहीं देने आरोप लगौलन। जिला जिला में गेला पर नेता सब जेबाक संबोधन करके अवसर भेटबाक आ ओहि से नेतृत्व परिवर्तन भ सकबाक
अध्यक्ष नेपाल के कहब छल, लेकिन ओ पद्धति ओली समूह में नहीं रहला से नेतृत्व परिवर्तन नहीं हेबाक अपना हिसाब से नेतृत्व आना के लेल अध्यक्ष ओली ओना केने दावी केलन। केपी ओली को एउटा भाषण, त्यो भाषणमा अब राष्ट्रिय सभाको चुनावमा हाम्रो पराजय निश्चित छ भनेर स्वीकार गरेको सुन्नुभयो हैन, हार स्वीकार गरेका छन्, पराजय स्वीकार गरेका छन्। तर कसरी स्वीकार गरे होला, त्यो स्वभावले त दिदैन, त्यो दम्भी स्वभावले त दिँदैन। त्यो स्वभाव कस्तो छ भन्दाखेरि नयाँ नेतृत्व विकास गर्नै नदिने, 77 जिल्लामा एकैचोटि जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटन गर्ने, देशैभरि एकैचोटि। अध्यक्ष नेपाल जनता के जीवन परिवर्तन करय के लेल अपन पार्टी स्थापना भेल बतौलनि। जनता के जीवन में परिवर्तन आवल जका आचरण आ व्यवहार देखाब पार्टी के नेता कार्यकर्ता के निर्देशन दिलन। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट युवा संघ नेपाल सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण कर मांग करत संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री प्रेम आले के ज्ञापन पत्र बुझौलक। शुक्र दिन युवा संघ मंत्रालय में सार्वजनिक संपत्ति के दुरुपयोग भेल तरफ सचेत रह कहत मंत्री आले के ज्ञापन पत्र बुझौलक। ज्ञापन पत्र बुझबत युवा संघ नेपाल के केंद्रीय अध्यक्ष नरेश शाही पिछला समय नारायण हिटी दरबार संग्रहालय के जग्गा तथा पशुपति क्षेत्र विकास कोष के धर्मशाला बतास ग्रुप व्यावसायिक प्रयोजन के लिए दुरुपयोग करत स्थायी संरचना बना रहला से स्वीकार्य नहीं हाथ बतौलन। वो भारत पशुपति दर्शन में आवे वाला तीर्थालु तथा धार्मिक पर्यटक के सुविधा के लिए निर्माण के धर्मशाला व्यावसायिक प्रयोजन के लिए भाड़ा में देव बात लज्जा के विषय रहा बतौलन। अध्यक्ष शाही सरकारी जगह में स्थायी संरचना निर्माण कर नहीं मिल भेलो पर स्थायी संरचना निर्माण क नारायण हिटी के महत्वपूर्ण तथा दुर्लभ संपदा सबके विनाश कैल गेल बतौलन। बतास ग्रुपले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दुरुपयोग गरेको र यसका साथै देशका अन्य विभिन्न स्थानहरूमा पनि राज्यलाई प्रभावित पारी सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोग गरी रहेको विषयमा संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। ऐतिहासिक स्थल नारायण हिटीलाई संरक्षण गर्नु हामी सबैको दायित्व हो। यो महत्त्वपूर्ण इतिहास बोकेको क्षेत्र एउटा व्यावसायिक समूहले होटल रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्ने कुरा कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन। मित्र राष्ट्र भारतले पशुपतिको दर्शनमा आउने तीर्थालु तथा धार्मिक पर्यटकको सुविधाको लागि निर्माण गरेको धर्मशाला व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिने कुरा लज्जाको विषय हो। अध्यक्ष शाही ऐतिहासिक एवं धार्मिक सार्वजनिक स्थल के दुरुपयोग रोक सरकारसँग माग करत ऐतिहासिक स्थल नारायण हिटी के भाड़ा समझौता खारिज करत सरकार के पूर्ण संरक्षण में राख आ भाड़ा में लगाओल गेल अन्य सार्वजनिक जगह के छानबीन कर आग्रह कलन। गृहमंत्री बालकृष्ण खाड़ मंत्रालय अंतर्गत के 9 से 5 बजे धरि खुल वाला सरकारी संघ संस्था के कर्मचारी के खाजा भत्ता उपलब्ध कराव पहल कर रहा बतौलन। गृह मंत्रालय माथात के नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियन के 8वें विभागीय अधिवेशन में बजट गृहमंत्री खाड़ मंत्रालय अंतर्गत के 9 से 5 बजे धरि खुल वाला सरकारी संघ संस्था के कर्मचारी सबके खाजा भत्ता उपलब्ध कराब अर्थ मंत्रालय संग पहल कर रहा बतौलन। ओ सरकारी कार्यालय सब में काज कर के अवधि बढ़ौला बाद ओवर टाइम के पैसा देव नहीं सकलो पर खाजा खा के व्यवस्था मिला बतौलन। ओ एखन नागरिकता ई पासपोर्ट के लिए लाइन रहल संदर्भ में किछ जिला सब कार्यालय के समय अवधि भोर 9 बजे से साँझ 5 बजे धरि बढ़ौने बतौलन। प्रशासन कार्यालयमा 10 देखि 4 सम्मको हाम्रो कार्यविधिलाई उहाँहरूले आफैले 9 देखि 5 बढाइदिनु भएको छ कि अब कतिपय ठाउँमा 9 10 देखि 4 हुनु पर्ने ठाउँमा 9 गराइदिनु भएको छ। त्यो हेर्दाखेरि सजिलो छ होइन, अब 10 बजे पुग्नलाई 9 बजे खाना खानु पऱ्यो भने 9 बजे पुग्नलाई 8 बजे खाना खानु पर्यो। कतिपयले 4 पहाडी अलिकति तान दिएर 5 गराइदिनु भएको छ र अहिले अर्थ मन्त्रालय छ हामीले कुरा गरिरहेका छौँ, अर्थ मन्त्रालयले राम्रो प्रस्ताव हो भनेको छ तर सहमति दिइसकेका छैन। कम्तीमा पनि हामीले गृहमन्त्री खाड कर्मचारी सबके सरकार सुविधा नै देला पर वा सरकार जनताप्रति उत्तरदायी होबन नै सकला पर कर्मचारी सब सरकार के सचेत करा परत बतौलन। वो सरकार आ सरकारी कार्यालय सबक साझा रहला छ सबके सद्भाव होब किसिम से काज कर कर्मचारी सबके निर्देशन दिलन। गृह मन्त्रालय सबैको साझा मन्त्रालय हो, कतिपय संगठनसँग साथीहरूसँग हाम्रो वैचारिक निकटता पनि होला,
कतिपय सामाजिक अन्तर्सम्बन्ध अलि बढ्दा होला, अलि संवेदनशील रूपमा पनि होला। तथापि राज्य सरकार मन्त्रालय सबैको साझा हो, त्यही रूपमै हामीले सरकार आ कर्मचारी एक आपस में आरोप प्रत्यारोप केला पर मात्रे देश के विकास नहीं हाथ बतबित समस्या के समाधान क के आगा बढ़ पड़त बतौलन। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री शशि श्रेष्ठ सहकारी सब पिछला समय सहकारी एन विपरीत बढ़ौने ब्याज दर घटाव पड़त बतौलन। नेपाल सहकारी पत्रकार समाज के 11वां वार्षिक साधारण सभा में बजट मंत्री श्रेष्ठ सहकारी सब पिछला समय सहकारी एन विपरीत ब्याज दर बढ़ौला से सहकारी के मूल्य मर्म अनुसार केला पर ब्याज दर घटाव पड़त बतौलन। मंत्री श्रेष्ठ एखुनका अवस्था में ब्याज दर नहीं बढ़बित सहकारी के परल समस्या अन्य माध्यम से समाधान कर पड़त बतौलन। ओ सहकारी से निचलका तह के जनता लाभान्वित भेला से निचलका तह के जनता के सेवा पाव जका सहकारी सबसे काज कर में जोड़ दिलीन। के गर्नुपर्दछ तपाईँहरूको पनि सल्लाह र सुझावको अपेक्षा गर्छु। समान सन्दर्भ ब्याज दरको कुरो छ। अब हाम्रो यहाँ अहिले भन्नुभयो हाम्रो तामाङजीले होइन, अब यो अरू ठाउँमा बढ्दा बढ्ने घट्दा घट्ने गरौँ भनेर भन्नुभयो, कुरो त साह्रै मिठो। तर हाम्रो नेपालको सन्दर्भ कस्तो भयो भने बढ्न जान्ने, बढ्दा बढ्न जान्ने, घट्दा घट्न नजान्ने, हगि बढ्या बढे घटे पनि अन्तर्राष्ट्रिय तेलकै कुरो गरौँ न, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घट्छ कति मात्रामा घट्छ, यहाँ 1 रुपियाँ घट्छ, है स्थिति यो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई पनि ध्यान दिनु होला। र मेरो मान्यता के हो भने ब्याज दर बढाउने होइन। मन्त्री श्रेष्ठ पछिल्ला समय सहकारी सब वित्तीय सुशासन सब बाहर जाकर सहकारी एन सब विपरीत काज कर रहला से जनता समक्ष विश्वास हरा रहल बतौलन। ओ सहकारी सब लगानी कर से बेसी बचत तथा ऋण में ध्यान देने बतौलन कि सहकारी सब के बदमाशी केला से समग्र सहकारी क्षेत्र में असर पड़ रहा हुनक कहब। समस्याग्रस्त संस्थाहरू बढ्दै जानुले पनि यो क्षेत्र झन जोखिमयुक्त हुँदै गएको अनुभूति भइरहेको छ। सरकारले तोकेको सन्दर्भ ब्याज दरभन्दा अत्यधिक बढी ब्याज दर लिने सेवा शुल्क सन्दर्भ ब्याज दरको कुरो पनि यहाँ उठेकै छ। त्यसको उहाँले उठाउनु भएको कुराको बारेमा म पछि भन्दैछु। मैले भनिरहेको छु सरकारले तोकेको एउटा तर विविध नाममा चाहिँ कसरी ब्याज दर लिएको छ भन्ने बारेमा पनि सेवा शुल्क बढी लिने। मंत्री श्रेष्ठ सहकारी में पछिला समय देखल गेल समस्या तथा उपराग सब नीति के कारण रहल अछि त ओहि के समाधान के लेल सरकार तैयार रहल बतौलन। में देश भर थप 968 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार पीसीआर आ एंटीजन करैत 14,971 परीक्षण में 968 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल अछि। पिछला 24 घंटा में कोरोना से केकरो भी मृत्यु नहीं भेल अछि। नेपाल में एखन कोरोना से जान गुमाव वाला के संख्या 11,602 रहल अछि। तहिना पिछला 24 घंटा में देश भर 262 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। नेपाल में एखन 5,741 सक्रिय संक्रमित अछि। एखन धरि 8,13,709 गोटे ठीक भ चुकल अछि। नेपाल में ठीक हो वाला के दर 97.9% रहल अछि। तहिना प्रदेश दू में पिछला 24 घंटा में 7 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गेल अछि। स्वास्थ्य निर्देशनालय जन तथ्यांक अनुसार धनुषा में 5, महोत्तरी में 1 आ सरलाही में 1 संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश दू में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 38,686 पहुँचल अछि। मृतक के संख्या 1,040 रहल अछि। तहिना प्रदेश दू में एखन धरि 37,571 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। प्रदेश दू में एखन 75 गोटे सक्रिय संक्रमित अछि। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा कोरोना वायरस के ओमिक्रोन वेरिएंट के संक्रमण बढ़ नहीं देव उच्च सतर्कता अपनाव संबंधित निकाय के निर्देशन दिलन। शुक्र दिन सिंह दरबार स्थित प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय में अपना संयोजकत्व में रहल COVID-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC निर्देशक समिति के बैठक बजबत प्रधानमंत्री देउवा ओमिक्रोन वेरिएंट के संक्रमण बढ़ नहीं देव आ संक्रमित के उपचार में विशेष ध्यान देव संबंधित निकाय के निर्देशन दिलन। ओहि अवसर में ओ अइ के संक्रमण दर बढ़ नहीं देव सीमा नाका सबके चुस्त दुरुस्त बनाव आ संक्रमित सबके खाना आ रह के आवश्यक व्यवस्था मिलाव सचेत करौलन।
संक्रमित सबके परीक्षण ओकर सबक उपचार के व्यवस्था आ कोविड विरुद्ध के खोप लगेबा काज के सेहो आर तीव्रता देव प्रधानमंत्री सन निर्देशन आयल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री विरोध खतिवड़ा जानकारी दिलन। बैठक से संघीय सरकार से जिम्मा लेल जाय वाला संक्रमित के उपचार खर्च तत्काल के लेल स्थानीय सरकार लेत विषय में छलफल भ रहल अछि। चुस्त दुरुस्त बनाउने अनि एन्टिजेन परीक्षण लगायतले गर्दा देखिएका बिरामीहरू आइसोलेसनमा कसरी त्यो आइसोलेसनको बस्ने कक्षहरू व्यवस्थित गर्ने अनि देखिएका बिरामीहरूको थप परीक्षणहरू अगाडि बढाउने कुराहरू उनीहरूका खाने बस्ने सुविधाका कुराहरू यी सबै पक्षमा कुरा भएको छ र खोप लगाउन अझ तीव्रता दिने र चाँडै नै छिटै नै अब चाहिँ नि अब यो जुन बाहिर के भन्छ त्यसलाई तेस्रो डोजलाई बुस्टर त्यो पनि त्यसमा पनि जाने भन्ने कुरो चाहिँ नि आज छलफल पनि भयो प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन पनि भयो। बैठक में कोरोना वायरस के ओमिक्रोन वेरिएंट के संक्रमण दर बढ़त गेला पर जल्दी दोसर बैठक बजाकर स्मार्ट लॉकडाउन के विषय में सेहो बातचीत भेल। संक्रमित सबके संख्या बढ़त गेला पर भीड़ भाड़ होवे वाला सिनेमा हॉल ठंडा विदा के ध्यान दैत विद्यालय सबके बंद कर जेहन स्मार्ट लॉकडाउन के विषय में सेहो बातचीत भेल मंत्री खतिवड़ा जानकारी दलन। नोबेल मेडिकल कॉलेज MBBS पढ़े वाला विद्यार्थी संघ बेसी शुल्क मंगला विरोध में विद्यार्थी संगठन आ MBBS अध्ययनरत विद्यार्थी सब विराटनगर में चक्का जाम के लगे। विद्यार्थी सब कोसी राजमार्ग के कंचनबारी चौक में चक्का जाम के लगे। विराटनगर के नोबेल मेडिकल कॉलेज चिकित्सा शिक्षा आयोग से तोकल गेल से बेसी शुल्क मांग केने आ नहीं देवे वाला विद्यार्थी के कक्षा में प्रवेश निषेध केने छल। विद्यार्थी सब अतिरिक्त शुल्क लेवे वाला कॉलेज के निर्णय के विरोध में प्रदर्शन करते आबि रहल अछि। चिकित्सा शिक्षा अध्ययन में देखल गेल समस्या के समाधान के लेल सरकार के विशेष ध्यान पहुँचाब में सरकार वाला सब जोर दिलक। शुक्र दिन विप्लव नेतृत्व के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रांतिकारी काठमांडू में आयोजन केने चिकित्सा शिक्षा का समस्या र समाधान विषयक अंतर्क्रिया कार्यक्रम में बजत वक्ता सब चिकित्सा शिक्षा में देखल गेल समस्या समाधान के लेल सरकार से ध्यान पहुँचाब में जोर दिल गेल। कार्यक्रम में बजत चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान के सहायक डीन तकमा केसी शिक्षा आ स्वास्थ्य के निजीकरण करला के कारण समस्या सब देखा रहल बतौलिन। सरकार शिक्षा स्वास्थ्य के निजीकरण के संगे व्यवस्थित कर नहीं सकल बतौलिन। चिकित्सा शिक्षा एन अनुसार कॉलेज सब चलल वा नहीं चलल संबंध में संबंधित विश्वविद्यालय अनुगमन में कमी देखल गेल ओ बतौलिन। स्वास्थ्य अब निजीकरण करो भन जो कुछ मेरे मान्यता चाहिए इस निजीकरण करना हुए कम से कम शिक्षा और स्वास्थ्य राज्य तर होना गयो र गरे तापनि त्यसलाई रेगुलेसन अथवा त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्ने दायित्व राज्यको अथवा सरकारको थियो हुनुपर्थ्यो र त्यसलाई मलाई लाग्छ हामीले आज जुन भोगिराखेका छौँ र त्यो चाहिँ सरकारले अथवा राज्यले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दाका परिणामहरू नै हुन् अथवा भनौँ अब चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ लामो अनसन बसेर त्यसको जन्म भयो तर चिकित्सा शिक्षा आयोगले अब अहिले भर्खरै मात्रै हो अब धेरै भएको छैन यो जन्मेको र यसले आफ्ना कार्यहरू अथवा ऐनहरू ल्याइसकेको अवस्था छ र कतिपय अघि भन्नुभएको छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयकै प्रशासकीय अधिकृत दीपक दाहाल चिकित्सा शिक्षा ऐन व्यावहारिक होबन नै सकल बतौले। चिकित्सा शिक्षा ऐनके आवश्यक संशोधन करऽ पड़त बतौलनि अछि। ऐन सब बातके केन्द्रीकृत केने कहैत एना केलासँ समस्या उत्पन्न भेल बतौलनि। स्नातक तहको भर्नाको लागि यो पहिलो पटक यो वर्ष गरिएको चिकित्सा शिक्षा आयोग मार्फत त्यस कारणले पहिलोचोटि गर्दाखेरि नै सबै कुराको अनुभव नहुनसक्छ। हामी 16-17 वर्ष त्यही काम गरेर गर्दा त हामीले कति कुराहरू रेक्टिफाई गर्नुपर्थ्यो, कति कुराहरू इरर आउँथ्यो, कति कुरा समस्या आउँथ्यो, कति कुराहरू व्यवहारिक बन्न पर्थ्यो होला। चिकित्सा शिक्षा ऐन मार्फत आयोगले यी काम गर्न सुरु गरिसकेपछि त्यसमा व्यवहारिक हुनको लागि धेरै कठिनाइहरू भयो, चुनौतीहरू भयो। अब हुन त चिकित्सा शिक्षा ऐनमा पनि व्यवहारिक हुनको लागि अथवा यसमा एकचोटि प्र्याक्टिसमा आयो आइसकेपछि अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष प्रकाश शाही राज्यसँग चिकित्सा शिक्षामा स्पष्ट नीति आ योजना बनबैत स्रोत लगानी बढाव परत बतौलनि। गरिब तथा विपन्न विद्यार्थीके छात्रवृत्तिके व्यवस्था गरके जोड दिलनि। राज्यले चिकित्सा शिक्षामा स्पष्ट नीति र योजना बनाए स्रोत लगानी र हस्य बढाउनु पर्ने, निजी मेडिकल कलेजहरूलाई राष्ट्रियकरण गरी राज्यले सञ्चालन गर्नुपर्ने,
तत्काल गरीब तथा विपन्न विद्यार्थीहरूको पहुँच बढाउन क्षमतावान विद्यार्थीलाई पर्याप्त छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने मेडिकल कलेजहरूमा सरकार विश्वविद्यालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट प्रभावकारी अनुगमन र कारवाही गर्नुपर्ने विश्वविद्यालयहरूबाट जथाभावी सम्बन्ध दिने प्रक्रिया रोक्नु र नियम विपरीत गरेकाहरूको सम्बन्ध अध्यक्ष शाही सरकार विश्वविद्यालय चिकित्सा शिक्षा आयोग मेडिकल कलेजमै प्रभावकारी अनुगमन गरे दोषी उप कारवाहीकै माग कयलनि विश्वविद्यालय सब जथाभावी सम्बन्धन देबके प्रक्रिया रोकमे ओ जोड देलनि छ अन्तिमे हेडलाइन्स एक प्रोफेसर पूछ 25 गते के लेल बजाओल गेल राष्ट्रीय सभा के बैठक फेर से पूछ 27 गते दोपहर 1 बजे के लेल घुसकाओल गेल किसान आंदोलन करैत आयल जनमत पार्टी से शुक्र दिन से हो विभिन्न स्थान में राजमार्ग अवरुद्ध बाराक राधेश्याम पटेल के हत्यारा कार्यवाही मांग करैत सप्तरिक राजविराज में विरोध प्रदर्शन पिछला 24 घंटा में देश भर 968 गोटे में कोरोना संक्रमण 262 संक्रमण मुक्त प्रदेश 2 में 7 संक्रमित आज चिकित्सा शिक्षा अध्ययन में देखल गेल समस्या सबक समाधान के लेल सरकार विशेष ध्यान देबय में सरकार वाला सबक जोर बेस्त अपन न्यूज एखन लायत वह पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन नमस्कार।